तो आप सबका हमारे YouTube चैनल में आप लोग देख रहे हैं अमन टेच इन्फॉर्मेशन। दोस्तों पहले ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे आपको पूरी बात भी समझनी होगी और कैसे आपको ऐड करना है अपने मम्मी या पापा का नॉमिनी, वो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि नॉमिनी जो आपका ऐड करना है इसके अंदर, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका अकाउंट बाय द वे कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ जाता है जिसके अकाउंट बंद हो जाए, या आप खुद भी बंद करवाते हो, या मैं एक चीज़ ये भी आपको बता देता हूँ, जैसे कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो उस टाइम पे ये सारा पैसा आपका जो है वो नॉमिनी जो होता है, जैसे आप हर बैंक में करते हो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सेम यही प्रोसेस इसमें भी है और इसको आपको जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन आपको दी है या नहीं, आपको जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप फेम पे देखिए कहाँ है मेरे में, और यहाँ हमें मिल गया फेम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक अकाउंट मैंने यहाँ पे पहले अभी एक दोस्त का है, इसको मुझे पूरे तरीके से अभी देखिए यहाँ पे रीकेवाईसी हमने किया नहीं है, मैं कल वो करके आपको दिखा दूंगा। देखिए अभी दो पेंडिंग, दो हो गया, एक पेंडिंग में है, ये मैं कर दूंगा तो मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक, वीडियो केवाईसी। तो अभी हम बात करते हैं जो हमें अकाउंट जो नॉमिनी नेम ऐड, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आया है, चेक व्हाट इज न्यू विथ योर फेम पे एक्स अकाउंट, आपके अकाउंट में क्या नया आया है। तो यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है कि आप इसमें 10K तक यहाँ पे मंथली एक्सपेंड कर सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं, सारा कुछ आपको फ्री में भी दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप कार्ड भी फ्री में वर्चुअल यूज कर सकते हैं, अगर आपको फिजिकल चाहिए तो आपको वो खरीदना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हुए हमको एक्स वाले पे क्लिक करना है, आपकी UPI आपके सामने दिखाई देगी, फिर यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। देखिए नॉमिनी UPI ID, यहाँ पे नॉमिनी UPI ID जो है इसमें आपको अपने फादर का या मदर का या ब्रदर का या सिस्टर का, जिसको भी आप नॉमिनी रखना चाहते हैं उसकी UPI यहाँ पे आपको ऐड करनी है। उसका प्रोसेस क्या है मैं आपको यहाँ पे पूरा दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है योर मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस UPI इन, मतलब कोई भी कॉज हो सकता है, केस ऑफ एनी अकाउंट क्रैश क्लोज, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपका अकाउंट किसी वजह से अगर क्लोज होता है तो आपको ये पैसा आपके जो भी नॉमिनी होंगे उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ये अकाउंट में अगर आप पैसा रख रहे हैं ज़्यादा तो आपको ये चीज़ करना ज़रूरी है दोस्तों, कि आजकल कोई नहीं जानता कब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने UPI ऐड कर रखा है, आपको UPI ऐड करना है तो यहाँ पे आपको कट कर देना होगा, जो भी UPI है आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ @YBL, ठीक। अब यहाँ पे हम कंफर्म करें तो यहाँ पे दे रहा है कि नॉमिनी, यहाँ पे एडिट करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे दे रहा है नॉमिनी UPI एडिट डज नॉट अलाउड, ठीक, ये हमारा UPI यहाँ पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ FM, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए दे रहा है कि नॉमिनी नेम यहाँ पे आपको एडिट करना ही पड़ेगा, तो आपको नया नॉमिनी नेम डालना है जो आपका मैंने बताया मम्मी का पापा का, तो वो डालिए, आप अपना डालेंगे तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना नॉमिनी यहाँ पे डाल दिया है और आप भी इसी तरीके से अपना डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको कंफर्म UPI पे कर देना है, ये हरदम के लिए सेव हो जाएगा। आप ऐसे कट करोगे आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा, और जब आप इसे कट करना चाहोगे तो कट करके आप नया भी जोड़ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।